गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज सेट टू लेकर के। आपने मेरे पिछले क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को लाइक किया और उस पर कमेंट भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए निम्न प्रश्नों पर विचार करूँगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रुनेई देश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए, ब्रुनेई चर्चा में क्यों रहा, यह आप जानते हैं कि भारत और ब्रुनेई के बीच एक कराधान संबंधी समझौता हुआ था, तो इसीलिए ब्रुनेई देश चर्चा में रहा है। तो अब उससे संबंधित बात यह है कि पहला कथन, ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल सत्य है कि ये ब्रुनेई जो है उत्तर पूर्वी एशिया का एक देश है, यह बोर्नियो द्वीप पर ही स्थित है। वैसे भी आपको पता है बोर्नियो द्वीप पर तीन देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इसकी चर्चा मैंने अपने वीडियो में की है, जो कि सिर्फ ब्रुनेई और भारत के संबंधों को लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया था। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा कथन यह है कि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल गलत है। ब्रुनेई एक राजतंत्रात्मक देश है और खासकर यहाँ इस्लामिक कानून चलता है, तो इसलिए यह कथन गलत है। यह मलक्का जलसंधि द्वारा इंडोनेशिया से अलग होता है, बिल्कुल गलत है। मलक्का जलसंधि का संबंध ब्रुनेई से है ही नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ यह बताना है कि मलक्का जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है और किन दो सागरों को जोड़ती है। इसकी चर्चा भी मैंने अपने पिछले वीडियो में जर की है और काफ़ी ज़्यादा मैंने मलक्का, सुंडा, हरमुज, बाबल मंडप सब संधियों के बारे में बताया था। तो अब आप यहाँ ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि मलक्का जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है और किन महासागरों को जोड़ती है। तो कथन दो और तीन दोनों ही गलत हैं, कथन एक सही है, इसलिए विकल्प ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। इज़राइल की राजधानी तेल अबीब, चूँकि इज़राइल पर सब क्वेश्चन बने हैं, चूँकि अभी चर्चा में रहा है इज़राइल। इज़राइल चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इज़राइल में चुनाव हुए। अब आप देखिए, इज़राइल की राजधानी तेल अबीब है, ये बिल्कुल सही नहीं। आपको पता है जेरूसलम, बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिक्विड पार्टी है, बिल्कुल सही है। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिक्विड पार्टी ही है। बेनी गेट्स इज़राइल के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी थे, बिल्कुल सत्य है। बेनी गेट्स उनके अपोजिशन में खड़े थे और बेनी गेट्स की पार्टी का नाम था ब्लैक एंड वाइट पार्टी। तो इस प्रकार कथन दो और तीन सत्य हैं, एक असत्य है, इसीलिए बी कथन सही है, यानी बी विकल्प सही है। अब आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इज़राइल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है और मृत सागर किन दो देशों के बीच में है। वैसे आप ये जानते भी होंगे कि इज़राइल की संसद का नाम नेसेट है, यानी इज़राइल की संसद का नाम नेसेट है और यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी गुप्तचर संस्था है, उसे मोसाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन पे आते हैं, जो कि राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित है। अब अगर हम राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये किससे संबंधित है। वास्तव में अगर राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात की जाए तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को कम करना है और इसका उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। ध्यान रखिएगा, 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। तो अब उसी राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में कुछ कथन हैं कि जन्म के समय, पहला कथन देखिए, जन्म के समय कम वजन में वर्ष 2017 से 2022 तक प्रतिवर्ष 2% की कमी करना, बिल्कुल सत्य कथन है कि जो जन्म के समय कम वजन की समस्या से जूझते हैं बच्चे, उसमें 2017-2022 तक प्रतिवर्ष 2% की कमी करना है। दूसरा कथन देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में
वर्ष 2017 से 2022 तक 3% की वार्षिक कमी करना, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की ये जो दोनों लक्ष्य दिए हैं दोनों ही सत्य हैं। और तीसरा लक्ष्य आपको मैंने बताया है कि 2022 तक इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत को कुपोषण मुक्त करना है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा, दोनों लक्ष्य सत्य हैं और तीसरा लक्ष्य मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, लेकिन इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही निम्नलिखित में से असत्य कथन है। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल गलत है। सुपोषित माँ अभियान जो अभी 2020 में शुरू किया गया है, ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सुपोषित माँ अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए, सुपोषित माँ अभियान गर्भवती महिलाओं और लड़कियों में पोषण की समस्या को दूर करना है, इसीलिए सुपोषित माँ अभियान चलाया गया है। यह राजस्थान के कोटा जिले से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार कथन एक असत्य है, बाकी दो तीन चार कथन सत्य हैं। तो इसलिए विकल्प के रूप में एक ही सही होगा, मतलब एक ही असत्य है, बाकी दो तीन चार सही में आते हैं। तो इसका सही उत्तर एक होगा। अब जरा दो तीन चार विचार कर लें। देखिए, दो तीन चार पर हम लोग विचार करें तो देखेंगे 2020 में धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अनुमोदन किया गया, बिल्कुल सत्य है कि अभी सरकार ने धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और दक्कन के सल्तनत, दक्कन मतलब वही बीजापुर गोलकुंडा के जो क्षेत्र थे साउथ इंडिया में, उनके स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की गई है, बिल्कुल सत्य है। अब आपको यहाँ एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कितने स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तीसरे में देखिए, 2020 में चंबल नेशनल पार्क को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया, बिल्कुल सत्य है। अभी चंबल नेशनल पार्क को भारत जो कि एमपी में है, इसको भारत सरकार ने जो है पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में है यह। ऑप्शन चार देखिए, 108वां विज्ञान कांग्रेस पुणे में 2021 में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सत्य है, यह पुणे में 2021 में आयोजित होगा। इसका थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, अर्थात महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सत्य है, यही इसका थीम होगा जो 2021 में विज्ञान कांग्रेस पुणे में होगा। लेकिन अब आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में चीज़ और बताना है कि 107वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया और उसका थीम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिजोल्यूशन 2518 जो हाल ही में चर्चा में रहा, उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी रिजोल्यूशन 2518। पहला कथन, यह पर्यावरण को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा शुरू किया गया अभियान है। वैसे देखा जाए तो यह अभियान यूनाइटेड नेशन द्वारा ही शुरू किया गया, लेकिन वास्तव में यह इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नहीं है, तो कथन एक असत्य हो गया। दो की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की शांति सेना पर होने वाले हमलों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने से संबंधित, ये बिल्कुल सत्य है। जो यूनाइटेड नेशन की शांति सेना है वो अगर किसी देश में जाती है और उस पर कोई हमला होता है तो उन हमलावरों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत, तो कथन दो सत्य है। यह रिजोल्यूशन चाइना द्वारा लाया गया है, यह बिल्कुल सत्य है, यानी यह रिजोल्यूशन चाइना द्वारा ही लाया गया है। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि दो और तीन कथन सत्य है, तो इस प्रकार इसका विकल्प बी सही होगा। तो आप लोग रिजोल्यूशन 2518 ध्यान रखेंगे यह क्या है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में रीयूनियन आइसलैंड भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर चर्चा में रहा, इस संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। पहला, यह द्वीप प्रशांत महासागर में है और अमेरिका के अधिकार में है। बिल्कुल गलत, यह द्वीप हिंद महासागर में है और फ्रांस के अधिकार में है। इस प्रकार कथन एक असत्य है। दूसरा, यह द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चीन ने यहाँ अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। बिल्कुल गलत, यहाँ चीन का नहीं बल्कि फ्रांस का सैनिक अड्डा है। तो इस प्रकार एक और दो दोनों ही असत्य हैं। और इस रीयूनियन आइसलैंड के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है। आपको पता है कि रीयूनियन आइसलैंड जो हिंद महासागर में है, फ्रांस के अधिकार में है, फ्रांस ने भारत के वारशिप को यहाँ पर पेट्रोलिंग करने की अनुमति दे दी, अर्थात भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के रीयूनियन आइसलैंड के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे। भारत ने यह समझौता फ्रांस से इसलिए किया है ताकि भारत का प्रभाव हिंद महासागर पर बना रहे। अब आपने जो भी कुछ सुना उसको नोट किया होगा और साथ में मैंने जो कुछ भी कहा उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैंने जो कल प्रश्न दिया था कि संचित निधि, पीएम केयर्स और प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या अंतर है, इसका उत्तर कुछ लोगों ने दिया, जिसमें अमरजीत, अजय त्रिपाठी, रोहन त्रिपाठी और सीमा सोनी, इन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसका उत्तर बहुत ही सारगर्भित रूप से और अच्छे शब्दों में लिखा है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं और लोगों से भी कहता हूं कि मैं जो भी प्रश्न दूं उसको आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कोई व्याख्यात्मक प्रश्न दिया है तो उसे टेलीग्राम, सर्वोत्तम क्लास के टेलीग्राम या मेरे जीएस ग्रुप वाले टेलीग्राम पर जरूर सेंड कीजिए। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है और आपके ज्ञान में वर्धन होता है, यानी आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप और लोग भी मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों में रुचि लेंगे। धन्यवाद।